हेलो दोस्तों दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए, एक फ़ोन है माइक्रोमैक्स का, फीचर फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें एयरफोन हेडफोन जैक लगा हुआ है। ये देख लीजिए, हम इसको चला रहे हैं तो इसमें एयरफोन जैक लगा हुआ है। ये देख लीजिए, इसमें शो कर रहा है। इसकी वजह से दोस्तों जब भी हम बात करते हैं तो लाउड स्पीकर ऑन करना पड़ता है, तभी इसमें जब बात करेंगे तो आवाज़ तभी आएगी जाएगी अगर लाउड स्पीकर ऑन करेंगे तो। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी का सोल्यूशन बताऊंगा मैं। वीडियो पूरा एंड तक बने रहना, दो तीन ट्रिक बताऊंगा जिससे ये प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा साथ में। और वीडियो में बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप पहले देख लीजिए, देख लीजिए जो एयरफोन जैक है इसका, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको फ़ोन को डिसेंबल करना होगा, खोलना होगा। तो हम फ़ोन को खोल लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी फ़ोन में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी फ़ोन अगर आपके एयरफोन जैक लगा होगा तो इस तरीके से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं दोस्तों फ़ोन को पूरा ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो ये एयरफोन जैक है, यहाँ पे जैक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है अगर जो जैक है इसके आसपास जो भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे होते हैं तो उसमें दोस्तों कार्बन जम जाता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें कार्बन जमा हुआ है। तो हम अब इसे साफ़ करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व भी की नहीं है। आप थिनर या पेट्रोल से इसे साफ कर सकते हैं। तो अच्छे से साफ़ कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद चेक करते हैं एक बार कि इसमें हल्का सा कार्बन जमा हुआ था। तो हमने साफ़ कर लिया है और अब चेक करते हैं। तो दोस्तों ये अभी भी नहीं गया, देख लीजिए, तो ये अभी भी आ रहा है। तो अब जो दोस्तों करना है आपको, आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस शॉर्ट तो नहीं है। तो मैं दोस्तों सिंपली इस
जो इसमें कार्बन जमा था, तो ये निकाल देता हूँ यहाँ से। तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए कि जो शॉर्ट हो रखे रेजिस्टेंस है, तो आप उसको निकाल दीजिए, तो उसके बाद चेक करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आवाज़ भी आ गई है इसमें, और यहाँ से हमारा जो लोगो था एयरफोन का, हेडफोन का लोगो था, वो हट चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपने जो एयरफोन जैक का सैम्बल है वो आता है, तो आप इस तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने दोस्तों जिसमें कार्बन जमा हुआ था वो रिमूव कर लिया, तो मेरा हो गया। लेकिन आप जब भी आप रेजिस्टेंस या कैपेसिटर आपको रिमूव करने हो, तो आप उसे चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले बात दोस्तों, आपको ये क्लीन करना होगा, जिससे इसमें कार्बन या डस्ट आ जाती है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम आती है। और सेकेंड, आपको कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को आपको चेक करना होगा, तो कोई शॉर्ट तो नहीं है और या कोई ख़राब तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों, आप ईयरफोन का जैक का जो सैम्बल है वो हटा सकते हैं। और बाकी दोस्तों भी, अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। और कोई अदर फ़ोन है आपके पास, तो आप मुझे फिर भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।